आज हम बात करने वाले हैं ना इस चमचमाती हुई चीज़ के बारे में जो कि अपने पास है अभी। तो इसका नाम है थर्मोस्टेट बोल सकते हैं या थर्मिस्टर इसको हम बोल सकते हैं। ये अपना जो एम्पलीफायर्स हैं उनके अंदर यूज किया जाता है, और क्यों यूज किया जाता है इस चीज़ का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अपना जो एम्पलीफायर है वो ज़्यादा हीट करता है, जब हम मान लो ज़्यादा देर तक एम्पलीफायर को चलाते हैं तो जो एम्पलीफायर है वो हीट करता है। तो ओवर हीट की वजह से एम्पलीफायर ख़राब ना हो इसलिए इसके अंदर जो थर्मोस्टेट हैं वो लगाए जाते हैं। थर्मोस्टेट अलग अलग डिग्री में आते हैं, जैसे ये 75 डिग्री का है तो 85 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, तो ऐसे करके अपने आते हैं। तो वो देखा जाता है कि जो आपका एम्पलीफायर है वो कितने डिग्री तक झेल सकता है टेम्परेचर को, तो उसके हिसाब से फिर जो थर्मोस्टेट है वो लगाए जाते हैं। एम्पलीफायर के अंदर जो थर्मोस्टेट होते हैं वो दो तरीके के ही मैंने देखे हैं अभी तक। एक तो होता है अपना नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन होता है। तो नॉर्मली जो क्लोज होता है उसका सर्किट अलग से होता है, और जो नॉर्मली ओपन होता है उसका जो सर्किट होता है वो अलग से होता है। तो ज़्यादातर जो थर्मोस्टेट यूज होते हैं वो एनओ टाइप के ही यूज होते हैं एम्पलीफायर के अंदर, और जो एनसी टाइप के होते हैं वो मैंने काफ़ी कम देखे हैं अभी तक के जो एम्पलीफायर हैं उनके अंदर। लेकिन अभी जो अपने आगे आने वाले जो सर्किट हैं उनके अंदर आप लोगों को एनओ टाइप और एनसी टाइप दोनों ही थर्मोस्टेट देखने को मिलेंगे, और जो सर्किट हैं जो अपने वो लगभग लगभग रेडी हैं, उनको जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अब जैसे बात करता हूँ अपनी जो स्पीकर प्रोटेक्शन हम सेल कर रहे हैं पहले से ही, तो मैंने आप लोगों को बोला था पिछली वीडियोज़ में भी बोला था कि उसके अंदर हम थर्मोस्टेट है जो वो ऐड कर सकते हैं बिना किसी सर्किट की छेड़खानी के, उसके अंदर ऑप्शन है। तो उसके अंदर कौन सा थर्मोस्टेट लगेगा, तो उसके अंदर अपना नॉर्मली जो ओपन थर्मोस्टेट होता है वो अपना उसके अंदर लगेगा। तो इसमें जो नॉर्मली ओपन और जो क्लोज होते हैं उनको हम चेक किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई ओपन और क्लोज को मतलब कौन सा है ये थर्मोस्टेट, क्योंकि देखने में जो थर्मोस्टेट हैं वो दोनों सेम ही लगते हैं। और जो इनका जो ये देख सकते हैं KSD 301 लिखा हुआ है, ये भी लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो एनओ टाइप है और जो एनसी टाइप है उनका पता नहीं चलता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पे सेट करके एक जो अपनी ब्लैक पिन है यहाँ पे रख देनी है और रेड यहाँ पे रख देनी है। रेड और ब्लैक कहीं पे भी आप रख सकते हो। तो अगर वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है या बीप साउंड आ रही है तो जो अपना थर्मिस्टर है वो अपना एनसी टाइप का है, यानी क्लोज टाइप का है। अगर वहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है या कोई बीप साउंड नहीं आ रही है तो अपना जो थर्मोस्टेट है वो अपना एनो टाइप का है। तो अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है, देखना है कि जो आपका सर्किट है वो एनो टाइप के लिए है या फिर एनसी टाइप के लिए है। तो उसके हिसाब से ही आपको थर्मिस्टर लगाना है, और तभी जो आपका थर्मिस्टर है वो काम करेगा, तभी आपका जो सर्किट है वो काम करेगा। तो गाइज़ ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।